नमामि शंकराचार्यं सर्वलोकैकवंदितं भजे श्री भारती तीर्थं शारदापीठ सद्गुरुं विश्वेशं माधवं भक्तिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशी गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां। शंकर एकात्मता पदयात्रा विश्वनाथ देव का, भगवान विश्वनाथ जी का, ढूंढीराज गणपति जी का पहले, उसके बाद अन्नपूर्णा माता का और भगवान विश्वनाथ देव जी का दर्शन से पूर्ण हो गई है। और इस संदर्भ में आप सभी लोग आज केरल से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य से, इसे ही गोवा और महाराष्ट्र के कुछ लोग काशी के भी यहाँ उपस्थित हैं। लगभग 1000 किलोमीटर तक पदयात्रा करके आने के संदर्भ वहाँ रहे हुए हजारों वैश्य समाज बांधवों ने स्वागत करके अच्छी तरह हमें रुकने के लिए व्यवस्था करके सभी प्रकार की सेवा की है। और इस 200 दिनों का पदयात्रा में यहाँ रहे हुए, यहाँ आए हुए और बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचे नहीं, ऐसे सभी लोगों का सहकार्य से ही यह कार्यक्रम हुआ था। यशस्वी रीति से पूर्ण होने के लिए हमें हमारे मठ के आराध्य देवताओं का और सभी स्थानों में, क्षेत्रों में रहे हुए सभी देवताओं का और यहाँ के काशी के ढूंढीराज गणपति आदि अन्नपूर्णा विश्वनाथ भगवान का, ऐसे सभी देव देवियों का और हमारे पूर्व गुरु जी के तथा श्रृंगेरी जगद्गुरु श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी के, उनके उत्तराधिकारी
जगत गुरु श्री श्री विद्युशेखर भारती महास्वामी जी के आशीर्वाद मिला था और यहाँ आए हुए आप सभी लोग और पहले ही बताए जैसे बहुत लोग पहुँचे नहीं, यहाँ आ नहीं सके। आने के लिए तो सभी लोगों को इच्छा थी, तो भी सभी लोगों के लिए आना शक्य नहीं था, कुछ कोई कोई कारण से पहुँचे नहीं। ऐसे हजारों नहीं लाखों लोगों ने रोज भगवान के सान्निध्य में इस पदयात्रा के लिए, पदयात्रा की यशस्विता के लिए, निर्विघ्न रीति से यशस्वी होने के लिए आप सभी लोगों ने प्रार्थना की थी। इसलिए सभी भगवान देवदेवियों का और आप सभी लोगों की प्रार्थना से हमारे यह शांकर एकात्मता पदयात्रा निर्विघ्नता से यशस्वी रीति से पूर्ण होगी, जिसे हम बहुत ही आनंद से कर रहे हैं। कल नहीं परसों मंगलवार को जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी का जयंती है, वैशाख शुद्ध पंचमी का तिथि दिन है। उस समय में इससे भी बड़ा एक भवन हॉल में कार्यक्रम करने वाले हैं और उस प्रदेश का नाम है मणि मंदिर। परसों थोड़े लोग नहीं रहेंगे इसे हम सुने थे, इसलिए आज ही थोड़े विचार कहा तो अच्छा रहेगा इसे सोच के कह रहे। तीन हजार चालीस किलोमीटर
पदयात्रा होती है और इस पदयात्रा को नाम रखे थे शांकर एकात्मता पदयात्रा। आदि शंकराचार्य जी का जन्म स्थान से आरंभ किए हुए और आदि शंकराचार्य जी का तत्वों का प्रचार करके सभी लोगों को एकत्र एक संघ संगठित करने का उद्देश्य ही और इसके साथ सभी लोगों को संगठित रखने के लिए एक संघ रखने के लिए हमारे हल्दीपुर में रहे हुए वैश्य गुरु मठ का मूल मठ यहाँ था। ऐसे हमारे हल्दीपुर वैश्य गुरु मठ के इतिहास में हमें उल्लेख मिला है। श्रृंगेरी के जगत गुरु जी का श्रृंगेरी के जगत गुरु हमारे गुरु है। अभी के श्रृंगेरी के जगत गुरु श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी ये तो 36वें श्रृंगेरी पीठ के जगत गुरु जी हैं, पीठाधिपति हैं और 30वें जगत गुरु रहते समय हल्दीपुर के चौथे चार नंबर के गुरु जी पूर्व गुरु जी श्रृंगेरी गए हुए समय एक पत्र दिया था। उस मठ में उस पत्र में हमारे पूर्व गुरु यहाँ ही रहते थे। मुगलों का आक्रमण होने के कारण उनका उपद्रव बढ़ने के कारण हमारे पूर्व गुरु विजयनगर साम्राज्य के कालमान में कर्नाटक को जाके गोकर्ण में रह के बाद में केरली साम्राज्य के महारानी चन्नम्मा जी और महाराज सोमशेखर नायक उनसे हल्दीपुर में दो बार भूदान प्राप्त होने के कारण वहाँ ही मठ रच के गुरु परंपरा को आगे बढ़ाए हुए विचार को हम समय समय बहुत समय बताया है। और यहाँ रहे हुए हमारा मूल मठ का पुनर्निर्माण का महान कार्य का पूर्णता के लिए इस पदयात्रा की आरंभ किए थे। सभी लोगों को इस विचार को बताना था, इस विचार के बारे में जागृति लानी थी और सभी लोगों से इसके लिए विशेष सेवा होनी चाहिए। इसे हम बता रहे थे हमारा मूल मठ कैसे होना चाहिए, साथ हम आपको किसी को प्रश्न है तो हमारा विचार या हमारा स्वप्न परसों हम शंकर जयंती कार्यक्रम किस मणि मंदिर में कर रहे हैं वहीं वैसा ही हमें यहाँ वैश्य गुरु मठ मूल वैश्य गुरु मठ यहाँ बनाने का पुनर्निर्माण करने का स्वप्न है और इस स्वप्न को इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए हमारे पूर्व गुरु जी का और श्रृंगेरी गुरु जी का बाबा विश्वनाथ जी का अन्नपूर्णा माता का डुंडेराज गणपति काल भैरव स्वामी का ऐसे सभी देवताओं का और गुरुओं का आशीर्वाद और सभी आप सभी लोगों की सेवा होने से ही
इस स्वप्न को साकार कर सकते हैं और इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। आप बहुत ही दूर से आए हैं, 2000 या 3000 तक। आए हुए आप सभी लोग हैं, केवल यहाँ ही काशी नगर में या जिला में पकड़ सकते हैं। 8 लाख लोग वैश्य समाज बांधव हैं, ऐसे सुन रहे हैं। थोड़े लोग आज यहाँ उपस्थित भी हैं। काशी, वाराणसी कॉरपोरेशन सिटी है और यहाँ के मेयर वैश्य है और उनका नाम मृदुला जयसवाल, और यहाँ 4 MLA है, इतना संख्या है, और 2 लोग वैश्य है ऐसे सुन रहे हैं, रविंद्र जयसवाल और सौरभ श्रीवास्तव, ऐसे 2 लोग वैश्य समाज के MLA विधायक बोलते हैं हिंदी में, मध्य प्रदेश में भी कुछ कमी नहीं, यहाँ भी थोड़ी संख्या में नहीं, करोड़ों संख्या में, लाखों नहीं, करोड़ों संख्या में वैश्य समाज के बांधव है। यहाँ मूल मठ निर्माण करने से हम सभी सुलभ रीति से संगठित हो जाएंगे, अवश्य ही संगठित हो जाएंगे। हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, हमारे मठ के इतिहास में रहे हुए विचार को कार्य रूप में ला रहे हैं। पूर्व में पहले यहाँ ही मठ था, मूल मठ यहाँ ही था। मुगलों का आक्रमण होने से हमारे पूर्व गुरु जी विजयनगर साम्राज्य के काल में कर्नाटक गए थे, और कुछ समय के लिए 7 गुरु परंपरा होने के बाद कुछ समय के लिए 122 साल गुरु परंपरा रुक गई थी, और फिर से अभी श्रृंगेरी जगतगुरु श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी का आशीर्वाद से हमें वहाँ ही शिक्षा लिखे, धार्मिक आध्यात्मिक शिक्षा लिखे। 2004 साल में गुरु पट्टाभिषेक कार्यक्रम से पुनः गुरु परंपरा आरंभ हो गई है, और गुरु जी का, पूर्व गुरु जी का आशीर्वाद से, श्रृंगेरी जगतगुरु जी का आशीर्वाद से ही हम पदयात्रा करते हुए यहाँ मूल मठ का पुनर्निर्माण करने का संकल्प लेके आप सभी लोगों को बता रहे हैं कि आप सभी लोग इस कार्य को पूर्ण करने के लिए सेवा करना चाहिए। धन सेवा एक सेवा है, वो तो सभी लोग कर सकते हैं, बहुत आसान है। धन सेवा करना बहुत आसान है, अभी तो बहुत गरीब कोई नहीं है। 1 महीना के लिए एक परिवार को चलाने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं, हजारों पैसे लगते हैं, और इसके लिए मटका पुनर्निर्माण के लिए दे सकते हैं। तभी हम धन सेवा को ही
प्रमुख रूप से नहीं बता रहे, धन सेवा के साथ तन सेवा में आप समय देके, अपना समय, अनमोल समय देके सेवा करना चाहिए। ऐसा आप सेवा आपसे हुई तो ही इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूर्ण कर सकते हैं। हमारा पूर्ण समाज एक संघ होने के लिए, समाज की सर्व प्रकार की उन्नति होने के लिए संपूर्ण समाज, विश्व समाज या कोई भी समाज सुख और शांति से जीवन बिताने के लिए प्रमुख रूप से क्या करना है से पूछा तो हम सभी लोगों की आध्यात्मिक उन्नति माने आध्यात्मिक आसक्ति पहले बढ़नी चाहिए और आध्यात्मिक साधना होने से ही समाज में एकता बढ़ेगी, समाज में सुख शांति सर्व प्रकार की उन्नति हो जाती है। हम सभी लोग एक ही यह भाव आना चाहिए, इसके लिए हमें आध्यात्मिक उन्नति बहुत ही जरूरी है। इसी उद्देश्य से ही हम हर एक गांव में सत्संग कार्यक्रम महीना में एक बार तो भी होना ही चाहिए इसे बता रहे हैं। और अभी हम सभी लोगों को इसे सत्संग के बारे में आसक्ति बढ़नी चाहिए, रुचि बढ़नी चाहिए, इस उद्देश्य से रोज वाल्मीकि महर्षि जी ने रचे हुए मूल रामायण को पारायण करते हुए उसका विचार को प्रवचन के रूप में रोज आधा घंटा तक प्रवचन दे रहे और वह आगे आप सभी लोगों को मिलने के लिए YouTube चैनल में देने के लिए बताया है और उसकी तैयारी चल रही है। ऐसे आप सभी लोग पहले से ही गुरु सेवा कर रहे हैं, आप सभी लोगों की गुरु श्रद्धा भक्ति बहुत ही विशेष है, नहीं तो इतना दूर तक अपने गांव में बहुत सारे काम रहते हैं, सभी बाजूनी रख के बहुत खर्चा करके यहाँ तक आने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं, से बहुत सारे पैसे हजारों, कम से कम 10-15 हजार तो एक मनुष्य को लगता ही है, कम से कम। कैसा आया तुम्हें और उससे ज्यादा ही केवल आने जाने के लिए ऐसे बहुत सारे पैसे आप खर्चा करके यहाँ आके पदयात्रा में सहभाग लेके गुरु सेवा किए हुए आप सभी लोगों की श्रद्धा भक्ति देखकर, आप सभी लोगों की आध्यात्मिक
आसक्ति रुचि को देख के बहुत ही आनंद हुआ। परसों आदि शंकराचार्य जी का जयंती है और पहले ही कही जैसे वह कार्यक्रम मणि मंदिर में हम अभी तुलसी विद्यालय में रुके हैं, वहाँ से केवल 4 किलोमीटर आगे वहाँ होने वाला है। जरूर परसों कौन नहीं रहेंगे वह वे सभी कल ही मणि मंदिर को देखकर ही जाना चाहे, ऐसे वापस कहते हुए ऐसा मणि मंदिर जैसा हमें यहाँ मूल वैश्य कुलगुरु मठ बनाना है। बहुत कठिन है यहाँ इसी जगह मिलना, बहुत कठिन है इतनी बड़ी जगह मिलना, बहुत ही कठिन है। तो भी हमें श्रृंगेरी जगत गुरु जी का आशीर्वाद, बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद है, इसलिए हम नहीं तो और कौन कर सकते हैं, हम ही कर सकते हैं। आज नहीं तो कल इस कार्य को पूर्ण करके ही हमें आगे जाना है। संपूर्ण वैश्य समाज एक संघ हो गया तो केवल मणि मंदिर नहीं, संपूर्ण काशी को ही हम जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं, उतना सामर्थ्य वैश्य समाज को है। जानते हैं तो भी सभी लोगों को वैश्य गुरुमठ का, वैश्य गुरुमठ के बारे में जानकारी मिलना और सभी लोगों से सेवा होने के लिए और भी देर होगी, समय लगेगा। इसके लिए हम सभी लोगों को बहुत ही कार्य करना और भी है, इसलिए बताया था कि धन सेवा बहुत छोटी सेवा है। आप कितना लाख दिया तो भी बहुत छोटी सेवा है धन सेवा, एक नहीं 10 लाख दिया तो भी बहुत छोटी सेवा है। उससे बड़ी सेवा मैंने समय देना, समय देके मठ के लिए धन सेवा, धन सेवा है उसके साथ तन सेवा, समय देके सेवा करना बहुत ही जरूरी है। उदाहरण के बारे में मैंने कैसे सेवा करना चाहिए ऐसे उदाहरण देना, तो बहुत लोग है, बहुत लोगों ने मिलके इस पदयात्रा को यशस्वी की और ऐसे ही बाकी के बहुत लोगों ने भी सेवा की, तो अवश्य ही कितना ही कठिन कितना ही महान कार्य सुलभ रीति से शीघ्र रीति से होगा, पूर्ण होगा। ऐसे कहते हुए बाकी के विचार को परसों हम बताने वाले हैं। इसे कहते हुए आज आए हुए आप सभी लोगों की श्रद्धा भक्तिपूर्वक सेवा देख के बहुत ही आनंद हुआ और हमारे आराध्य देवताओं का तथा गणपति अन्नपूर्णा माता विश्वनाथ
भगवान का पूरा आशीर्वाद आप सभी लोगों का ऊपर सदैव रखे, आप सभी लोगों का जीवन में सदैव आनंद और शांति बड़े ऐसे वृद्धि हो। आज ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हुए हमारे इस वाणी को पूरा विराम दे रहे हैं। हर नमः पार्वती पतये, हर हर सीता आदि शंकराचार्य महाराज की। उनके चरण में मैं साष्टांग नमस्कार करता हूँ। स्वामी जी ने अभी आपसे आशीर्वाद दिया है आप सभी को, और काशी के जो मठ होने वाला है उसके बारे में बताया है। 2008 में कोकण में स्वामी जी आए थे, तो स्वामी जी ने सब तालुका में गए, जब भी देवगढ़ सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट देवगढ़ तालुका उंडिल गांव, ये मेरा गांव है, इस गांव में स्वामी जी आए थे। और उसी समय स्वामी जी ने मठ निर्माण का उधर परमिशन दिया था, छोटा शाखा मठ। हाँ, केवल मैंने स्वामी जी से परमिशन मांगा था कोटी बनाने का, तो स्वामी जी ने कोटी बनाने का परमिशन लिया था। और दूसरे दिन फिर कनकौली में प्रोग्राम हो गया, तो उस प्रोग्राम में एक एकड़ जमीन के पहले हमने बताया था, लेकिन वहाँ पे 5 एकड़ जमीन मठ के लिए कुटी, स्वामी जी का कुटी बनाने के लिए, अभी मठ हो गया, मठ बनाने के लिए हमारे परिवार से वहाँ दी गई है। और अभी पट्टाभिषेक पे मैं रीवा में गया था, तो स्वामी जी ने उसी टाइम पूछा था मुझे कि उसका काम कभी पूरा होगा। और ऐसे तो चल रहा है पिछले कई साल से, लेकिन थोड़ा थोड़ा काम हो रहा था। और अभी 16 मई को स्वामी जी उंडिल में आएंगे, और 17 मई को इसी अगले महीने में स्वामी जी का जो गुरु मंदिर है उसका स्वामी जी के चरण स्पर्श से वहाँ पे उद्घाटन होगा। आप सभी से आप सभी को मैं निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग, जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, जहाँ जहाँ से स्वामी जी अभी पदयात्रा में आए हैं, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, हमारे बिहार है, उत्तराखंड है, झारखंड है, सभी राज्य से जो जो लोग आना चाहते हैं वो सभी लोग आइए। और वहाँ पे आने के पहले आप सभी को निमंत्रण पत्रिका जो है वो व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी जाएगी, उसी पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा। आप 4 दिन पहले अगर बताएंगे तो वहाँ पे विदाउट AC रहने का प्रबंध हमारी तरफ से होगा। अगर आप AC में रहना चाहते हैं तो आप खुद को करना पड़ेगा, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। और आपसे फिर एक बार प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग वहाँ पे पधारिए। 17 मई अगले महीने में, 17 मई 2023 को, 16 मई को स्वामी जी आएंगे, फिर स्वामी जी कल, अभी धूप का टाइम है तो एक साल समझो ना, 500 मीटर, केवल 500 मीटर, आधा किलोमीटर भी नहीं यात्रा पर स्वामी जी की जो है, मेरा शोभा यात्रा रथ में से शोभा यात्रा निकलेगी, उसी शोभा भी दोपहर को प्रोग्राम करना है कि शाम को करना है, फिर स्वामी जी से कल में बात हो जाएगी, परसों तक मैं यहाँ पर हूँ, तो उसके बाद में फिर निमंत्रण पत्रिका आपको दी जाएगी। धन्यवाद, हरिओम। परम पूज गुरु जी की पाद यात्रा समाप्त हो गई है। अभी से गाड़ी ले जाएंगे।